हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो सेट थ्री है मॉडल पेपर, जो कि आपका आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 के लिए फिजिक्स मॉडल सेट थ्री है, उसका सलूशन हम लोग देखेंगे। इसमें जो है कि आपको फिजिक्स में सेट थ्री का जो मॉडल पेपर है उसमें आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है, 25 क्वेश्चन है, इसी का सलूशन देखना है। और इसमें जो है कि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि सेट वन और सेट टू दोनों से पूछा गया है, तो वे क्वेश्चन जो है कि आपके VVI हैं और उसको आप VVI ले लेंगे, VVI मान के चलेंगे और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये तो दोनों सेट में आया हुआ है, सेट वन और सेट टू दोनों में, और दोनों से उठा करके और तीसरा सेट में पूछ दिया, यानी कि इस सेट में पूछ दिया है, तो हो सकता है कि एग्जाम में भी पूछ दे, तो उसको आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए है कि क्वेश्चन नंबर एक में पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या होता है। तो उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो है कि आभासित तथा ह्रासित होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन तीन सही है, आभासित तथा ह्रासित। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दो है, इसमें है कि एक पतले लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है। तो इसमें जो है कि -50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें जो है कि इसकी क्षमता और प्रकृति बताना है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल और फिर -2D, यानी कि अवतल और -2D ऑप्शन दो इसमें सही है, इसको याद रखना है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI में भी याद रखेंगे। फिर आपका इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए इसमें फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है, यानी कि ऊर्जा स्रोत का जो है कि प्रकार नहीं है उसको बताना है। तो इसमें जो है कि जनित्र जो है कि ऊर्जा का स्रोत है, ये नहीं होगा। सौर कोशिका भी जो है कि ऊर्जा का स्रोत है, बैटरी भी ऊर्जा का स्रोत है, जबकि ए नहीं है, यानी कि ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन तीन को याद रखेंगे, रियो एस्टेट जो है कि ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा स्रोत का प्रकार यह नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन तीन इसमें सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या चार है, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है, यानी कि उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है वह कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन कभी इकाई से कम तथा कभी इकाई से अधिक होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन चार सही है, यह जो है कि कभी इकाई से कम हो जाता है और नहीं तो कभी इकाई से अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन चार इसमें याद रखना है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि यही पूछ दे, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या पाँच है, शक्ति की SI है, शक्ति की SI इकाई है, इसमें शक्ति की SI इकाई बताना है। तो शक्ति की जो SI होता है इकाई, वह वाट होता है, यानी कि ऑप्शन तीन इसमें सही है, ऑप्शन तीन को आप याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न है छः, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, एक चालक है, ठीक है, एक चालक तार है, उसमें जो इसका प्रतिरोध है व्युत्क्रमानुपाती है, तो यह क्या होगा। तो अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती किसका है, तो अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, यानी कि ऑप्शन दो इसमें सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या सात है, इसमें है कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं, इसमें जो है कि उपाक्षीय किरणें को बताना है। तो इसमें जो उपाक्षीय किरण है जो नज़दीक होता है, नज़दीक उसी को कहते हैं, यानी कि इसमें AB है, आप इसमें ऑप्शन AB को याद रखेंगे, उपाक्षीय किरणें हैं। यह जो है कि इस सेट में, अगर पिछला सेट में पूछा हुआ है, तो इसका जो है कि यह क्वेश्चन VVI है, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आठ है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए, दूरदृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अवतल लेंस चाहिए होता है, यानी कि ऑप्शन दो इसमें सही हो जाएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको याद रखेंगे, वैसे तो पहले से ही आपको याद होगा। फिर अगला प्रश्न है नाइन है, इसमें है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, इसमें जो है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है, यह पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी VVI में टिक कर लेंगे। इसका हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन तीन इसमें सही हो जाएगा, ओम मीटर। फिर आपका प्रश्न संख्या दस है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण
परावर्तित किरण क्या होगी, तो इसमें देखिए क्या होगी कि यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसको भी आप VVI में रखेंगे, इसमें आपका सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, इसका जो परावर्तित किरण है मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर रहेगी। फिर आपका प्रश्न संख्या 11 है, इसमें पूछा जा रहा है कि जल में हवा की बूंद बूंद हमेशा डॉट 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 जैसा होती है, तो इसमें जो है कि हमेशा अवतल लेंस जैसा होता है, यानी कि अवतल लेंस इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह ग्रसित है, तो वह किस रोग से ग्रसित है, तो मायोपिया से ग्रसित है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका ये देखिए, ये प्रश्न जो है कि पहले पूछा गया है, आप इसको VVI में याद रखेंगे। फिर आपका देखिए प्रश्न संख्या 13 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें है कि रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है, तो इसमें जो है कि 1/20 सेकंड तक रहता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है यह 1/20 सेकंड तक रहता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। प्रश्न संख्या 14 है, इसमें पूछा जा रहा है कि घरों में विद्युत धारा उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, घर में जो विद्युत धारा का उपकरण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो यह किस क्रम में होते हैं, तो यह समांतर में होते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है 15 कि पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है, मान लीजिए कि पृथ्वी है और उसका पृष्ठ जो है तल मान लिया जाता है, कब, तो यह शून्य विभव पर, शून्य विभव रहेगा तब इसको तल मान लिया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है 16, इसमें देखिए है कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है, ठीक है, तो छोटी फोकस दूरी होगा इसका, छोटी फोकस दूरी में है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है, इसको आप याद रखेंगे VVI में। फिर आपका प्रश्न संख्या 17 है, इसमें पूछा जा रहा है 17 में कि आपतन कोण साइन आई तथा आपतन कोण साइन आर का अनुपात है, तो इसमें अनुपात बताना है, तो अनुपात किसका नियम है, तो यह सनेल का नियम है, कौन बताए थे, तो यह सनेल का नियम है, क्या बताए थे, तो आपतन कोण जो है कि साइन आई तथा आपतन कोण साइन आर का अनुपात होता है, तो यह स्नेल बताए थे, यानी कि स्नेल का नियम है, ये आप याद रखेंगे, वैज्ञानिक वाला एक ठे आपसे पूछा जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 18 है, इसमें है कि अपवर्तनांक की SI इकाई है, तो अपवर्तनांक की SI इकाई होता है, इसमें से नहीं, कोई नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों चारों में से कोई नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर आपका प्रश्न संख्या 19 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण इसका बताना है, तो लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि कम दिखाई देता है, प्रकीर्णन इसका कम होता है, इसीलिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन जो है कि पहले पूछा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एक परिपथ लिखा हुआ है, एक परिपथ में यानी कि एक परिपथ में क्या होना चाहिए, तो एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर प्रतिरोधक के साथ समांतर में जुड़े रहते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्र सही संयोजन है, इसमें बोला है कि R1 और R2 जो है कि श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं, तो इसमें से कौन सा आपका जो चित्र दिया हुआ है सही होगा, तो इसमें आपका जो है कि श्रेणी क्रम में तीनों जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, ये जो आप तीनों चित्र देख रहे हैं ये श्रेणी क्रम में ही जोड़ा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है, तो इसमें आपको सही संयोजन बताना है, तो सही संयोजन जो है कि
आपको बैटरी जोड़ना है 1.5 वोल्ट का और 6 वोल्ट बनाना है। तो 6 वोल्ट बनाने के लिए 1.5 यानी कि 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे तो क्या? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए जो है यही आपका सही आंसर है। इसी तरह से आपको बैटरी जोड़ना पड़ेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। तो यह जो है कि विद्युत जनित्र जो है विद्युत सिद्धांत के आधारित है, विद्युत सिद्धांत के आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र इसमें हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो कुंडली को जो है कि आर्मेचर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको VVI में याद रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि मॉडल सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है 25। लघुपतन के समय परिपथ में धारा जो है कि भारी रूप से बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो दूँ वे आप तक आसानी से पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।